और संसद की सुरक्षा में चूक से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक अभी तक की जांच में ललित झा के मास्टरमाइंड होने का शक जताया जा रहा है। पूछताछ में जानकारी मिली है कि ललित झा के कहने पर 13 दिसंबर की तारीख तय की गई थी। ललित झा ने सभी को गुरुग्राम में मीटिंग के लिए बुलाया था। ललित झा ने ही कलर अटैक का वीडियो मोबाइल में शूट कर सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। और इसके बाद एक और बात सामने आई है कि चारों आरोपियों का एक ही सूत्रधार निकला, ललित झा, जिससे सभी आरोपी संपर्क में थे। एक और बात जो सामने आई कि घटना को अंजाम देने से पहले ललित ने चारों आरोपियों के फोन अपने कब्जे में लिए और वो फरार हो गया, जिसकी तलाश फिलहाल पुलिस को है, क्योंकि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड अगर किसी को कहा जा रहा है तो वो ललित झा है। उसके मास्टरमाइंड होने का शक है और कई ऐसे सबूत भी मिले हैं। 13 दिसंबर की तारीख जो तय की गई वो भी उसी के कहने पर हुई थी। और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए एक बड़ा मुद्दा भी है कि 13 तारीख को ही इस तरह की घटना आखिर क्यों की गई और मास्टरमाइंड के तौर पर ललित झा का नाम सामने आ रहा है। हम आपको बताते हैं कि दरअसल ये ललित झा है कौन। आरोपी ललित झा का साजिश में मुख्य रोल माना जा रहा है और मास्टरमाइंड होने का इस पर शक है। वहीं उसी ने पूरे हंगामे का वीडियो भी बनाया और इसके बाद अपने तमाम साथियों के मोबाइल फोन लेकर के ललित झा फरार हो गया था। जानकारी के मुताबिक आरोपी ललित पत्रकारों की भीड़ में भी शामिल था और इस साजिश में सभी को इकट्ठा करने में भी उसकी बहुत अहम भूमिका रही है। आरोपी ललित बिहार का दरअसल मुख्य रूप से रहने वाला बताया जा रहा है और पश्चिम बंगाल में वो शिक्षक भी था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से साजिश रची गई, तलाश उसकी लगातार जारी है। और इसी बीच संसद सुरक्षा चूक मामले में फरार आरोपी ललित झा के बारे में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक बड़ा इनपुट मिला है। पुलिस को पता चला है कि ललित दिल्ली से भागकर राजस्थान के निमराना में छिपा है। स्पेशल सेल की टीम जब निमराना के गंडाला गांव पहुंची तो ललित वहां से फरार हो गया था। इस वक्त स्पेशल सेल की दो टीमें ललित झा को ढूंढने में जुटी हुई है। ललित के हिसार में भागने की आशंका भी जताई जा रही है, इसलिए कई टीमें राजस्थान के निमराना और हरियाणा के हिसार में लगातार उसको पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। इस पूरे मामले का अगर कोई एक मास्टरमाइंड है, कोई सूत्रधार है, तो वो ललित झा है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और फिलहाल कोशिश यही पुलिस की कि उसे जल्द से जल्द गिरफ्त में लिया जाए। और इसी से जुड़ी एक और बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। संसद में सुरक्षा चूक मामले में आरोपी ललित झा की व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है, जिसमें वो किसी को जानकारी देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चैट पर वो व्हाट्सएप पर वीडियो को सुरक्षित रखने की बात लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस ललित झा की व्हाट्सएप चैट की जांच में जुटी हुई है। हालांकि न्यूज 18 इंडिया इसकी पुष्टि नहीं कर रहा, व्हाट्सएप चैट की पुष्टि हम नहीं कर रहे, लेकिन पुलिस इसकी पड़ताल में अब जुट चुकी है। आरोपी ललित झा ही सबके मोबाइल फोन लेकर के फरार हुआ है और संसद चूक मामले में आरोपी ललित झा अब भी लगातार फरार है। इसी ने वीडियो बनाया है और ये बात अब जाहिर हो रही है कि ये मास्टरमाइंड हो सकता है, क्योंकि ये अब तक के सामने नहीं आया और इसकी गिरफ्तारी के बाद बहुत कुछ साफ हो सकता है। जो तस्वीर सामने आ रही है ये बेहद खास है। जो व्हाट्सएप चैट है ये है ललित झा की, जो खुद अब फरार चल रहा है, जिसमें वो इस वीडियो को सेव रखने की बात कहता दिखाई दे रहा है। ये सबसे अहम बात भी है कि ललित झा जो लगातार फरार है, एजेंसीज लगातार छापेमारी कर रही है और आसपास के कई राज्यों में ये छापेमारी हो रही है, जहां उसकी मौजूदगी की आशंका होती है वहां से फरार हो जाने की भी आशंका, लेकिन पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही है। और इस वक्त बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर, लोकसभा से कुल 11 सांसद सस्पेंड किए गए हैं। बड़ी जानकारी, लोकसभा की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने का उनके ऊपर आरोप है। और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि 6 और सांसद सस्पेंड कर दिए गए, यानी कुल 11 सांसद निष्कासित किए गए हैं लोकसभा की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने का इनके ऊपर आरोप, जिसके तहत उन पर यह एक्शन लिया गया है और उन्हें वहां से सस्पेंड कर दिया गया है। कार्यवाही के दौरान बाधा पहुंचाने का आरोप इन सभी सांसदों पर, तो 6 और सांसद यानी कुल जो है वो 11 सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर, लोकसभा से अब तक 11 सांसद सस्पेंड किए गए हैं। लगातार लोकसभा की कार्यवाही जब चल रही थी तो बाधा पहुंचाने का काम उनके द्वारा किया गया और ऐसे में उन पर एक्शन लेते हुए उन सभी को सस्पेंड कर दिया गया है। अब तक कुल 11 सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा की कार्यवाही जब चल रही थी लगातार वहां नारेबाजी उनकी तरफ से और ऐसे में ये एक्शन लिया गया।
और ये सबसे अहम बात भी है, अमित पांडे हमारे सहयोगी लगातार हम वहां पर नजदीक से नजर बनाए हुए हैं। अमित, अब कुल मिलाकर 11 को सस्पेंड कर दिया गया है, कौन कौन अब इसमें शामिल है, किस तरह के आरोप इन पर लगे? देखिए, कुल 11 सांसद है, 5 पहले सस्पेंड हुए थे 2 बजे की कार्रवाई जब शुरू हुई थी, और 3 बजे की कार्रवाई जब शुरू हुई है उसके बाद 6 और सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। इसका मतलब 11 सांसद है। इसमें प्रमुख नाम जो है वह है कनी मोई, रम्या हरिदास, इसके अलावा हाइबी ईडन, ये सब सांसद हैं जिनके ऊपर आरोप है कि स्पीकर के मुताबिक वह लगातार सदन में हल्ला कर रहे थे और अपनी जो विल है वो छोड़कर स्पीकर के जो चेयर है उसकी ओर आ रहे थे, और इन बातों को संज्ञान में लेते हुए स्पीकर का ये कहना था इन सांसदों ने संसदीय मर्यादा का ध्यान में नहीं रखा और इस वजह से इनको सस्पेंड किया है। यही नहीं, डेरेक ओब्रायन को भी इसी तरीके के बर्ताव के कारण राज्यसभा से भी निलंबित कर किया गया। और कुल मिलाकर जो सांसद थे ये यही मांग कर रहे थे कि संसद सुरक्षा चूक मुद्दे पर जो वरिष्ठ मंत्री है सरकार का वो आके बयान दे और इस पर एक विस्तृत चर्चा हो, और इसी मांग के चलते उन्होंने अपनी यह मांग उठाई और स्पीकर के सामने गए, जब बर्ताव स्पीकर को अनुचित लगा। अमित बने रहे हमारे साथ, प्रियंका हमारी सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही है ज्यादा जानकारी के साथ। प्रियंका, आरोपियों को पेश किया जा रहा है अब कोर्ट में, किस तरीके से, ये पहली तस्वीरें सामने आ रही है, प्रियंका क्या ताजा तस्वीरें? बिल्कुल, यहाँ पर हलचल बढ़ गई है, तो ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद वो जो गाड़ियां हैं वो पहुंच गई, लेकिन फिलहाल तो ये फॉल्स अलार्म साबित हुआ है क्योंकि किसी भी वक्त अब जो है आरोपी उनको यहाँ पर लाया जा सकता है। ऐसे में अचानक हलचल बढ़ने के बाद हमें भी ऐसा लगा कि शायद वो आगे, लेकिन अभी फिलहाल फॉल्स अलार्म है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर आते हैं हम तमाम दर्शकों तक उसकी जानकारी पहुंचाएंगे। प्रशांत, ये सबसे अहम बात भी है कि तमाम वो आरोपी जिनकी गिरफ्तारी हुई है आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है, और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर न्यूज 18 इंडिया पर, यही वो तस्वीर जिसके लिए इतनी गहमा गहमी हुई, कुछ सांसदों ने पकड़ा, उनकी पिटाई भी की है, और अब ये ताजा विजुअल इस वक्त की ये सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, किस तरह से आरोपियों को लेकर जाया जा रहा है पटियाला हाउस कोर्ट। हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल लगातार बनी हुई है पटियाला हाउस कोर्ट के सामने ही, और ये वो आरोपी हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले इस तरह की पूरी प्लानिंग की और उसके बाद संसद भवन में दाखिल हुए। 2 साथी संसद भवन के भीतर पहुंचते हैं, स्मोक कैंडल जलाते हैं, रंगीन धुआं वहां निकलता है, अफरा तफरी का आलम होता है, और उसके बाद कुछ और उनके साथी, बताया जाता है कि संसद भवन में इस तरह से स्मोक कैंडल जलाने से पहले ही वो संसद के भवन के बाहर भी इस तरह की घटना को अंजाम दे चुके थे। तमाम आरोपियों को तुरंत पकड़ भी लिया गया है और अब उनसे पूछताछ की गई है, कोर्ट में आज पेशी है, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में इन आरोपियों को पेश किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या यही इस पूरी योजना को बनाने वाले थे या फिर इनके और कुछ मास्टरमाइंड थे? हालांकि ललित झा अब भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है, जिसकी व्हाट्सएप चैट भी सामने आने के दावे किए गए, लेकिन खास बात यह कि यह इस वक्त की एक ताजा तस्वीर, अहम तस्वीर है, आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट लेकर जाया जा रहा है। कई सवाल हैं जो इनसे पूछे जाने हैं, इसलिए इनकी रिमांड की भी मांग की जाएगी, पूछताछ इनसे आगे बढ़ेगी कि आखिर 13 तारीख क्या महज इत्तेफाक थी इस तरह की वारदात को अंजाम देने के लिए, या एक सोची समझी रणनीति के तहत 13 तारीख को जबकि इसी तरह से संसद पर हमला हुआ था, अब ये इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और अब इनकी रिमांड मांगी जाएगी और आगे की पूछताछ भी होगी।